Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hariti Vrindavai Tulasi Depoi Priyavai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatthi Namo Nama Bhakta Vihina Parada Lakshai Kiptascha Kamadi Tarangavaddai Kripamai Dvang Saranam Prapanna Vinde Namaste Charanarvinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare After all, look at transit for the thing. परीक्षित महाराज को सुनना चाहिए ना, सामने बैठ कर सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोष्ठी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अवचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुवंद गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। बात में कई छह सात दिन जावत वेणुगीत की कथा सुना है। कृष्ण के चतुष्टय चार जो विशेष महिमा भागवत में बताया गया चार गुणों की कथा जो यद्यपि कृष्ण में 64 गुण की कथा हमारे आचार्य पाद ने बताया कितने 64 64 कितने 64 क्वालिटीज पर चार जो गुण जो है वो असमर्थ और यूनिक जिसमें के बराबर तो उनसे अधिक कही थी। ये चार गुणों में विशेष करके रूपमाधुर्य इतने सुंदर रूप ये रूप को देख करके सभी हो जाते हैं। यद्यपि कृष्ण से कृष्ण के अवतारों में कोई भेद नहीं है तथापि कृष्ण के अवतार आदि भी कृष्ण के रूप देख करके मोहित हो जाते हैं। कृष्ण ने माधुरी देखी वासुदेवी को, स्वयं वासुदेव भगवान भी वर्णनंदन श्याम सुंदर के ऐसे सुंदर और रूपमाधुरी ब्यूटी देख करके आश्चर्य हो जाए। अपने रूपमाधुरी जो के देख करके भी आश्चर्य हो जाए। अपनी परछाई रिफ्लेक्शन जब मणिमय मुन दीवार में वह पड़ जाते हैं उसको देख करके कृष्ण भी अपने आप मोहित हो जाते हैं और उस अपने सुंदर छवि रूप के देख करके कृष्ण स्वयं आलिंगन करने के लिए दौड़ते रहते हैं। जैसा मेरे को उसमें बात भी वर्णन करते जा रहे हैं इस रूप माधुरी पूर्ण खुदा पूर्ण वर्णन करें। लीला माधुरी कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुर लीला जो है लोकवत्त लीला कोई बोलो मनुष्य के भांति
ऐसे सुंदर ब्रज में लीला आदि करते रहते, ब्रह्मा आदि देवता लोग भी आश्चर्य हो जाते, विस्मित हो जाते, कभी कभी भ्रम में पतित हो जाते, भ्रम में पड़ जाते ये कृष्ण भगवान है कि नहीं है। कृष्ण जब सखाओं के साथ भजन करने लगे, वन भजन करने लगे, पिकनिक करने लगे और सखाओं के जीवन आदि अब खाने लगे, ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कृष्ण भगवान है कि नहीं, नारायण तत्व है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण के भगवान भगवान है कि नहीं परीक्षा करने के लिए उन्होंने कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं को और बछड़े को भी चुराया और अंत में ब्रह्मा जी के पतित हुआ, विश्वास हो गया ये कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण के इतने सुंदर लीलाएं आदि है, क्या वर्णन करें, बाल लीलाएं तो इतनी सुंदर है और आगे की लीला क्या वर्णन करते जाए। जिस समय सुखदेव गोस्वामी पाद का ओहो बखियन सर्व काल कुटन दिगंत प्रसाद ते मेरे धातु चितन तत्व वर्णन कंबा दयालु शरणन ब्रज। कृष्ण जी जो भजन करते हैं तो भगवान उसके कौन सा गति देंगे, क्या वर्णन करें। पूरे बकासुर के वही उतना केवल मातृ वेश बनाया, छल कपट ब्रज में आई, अच्छा दिन बालक शिष्य के जो मारने के लिए प्रयास किया, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके मारने के लिए प्रयास किया और भगवान ने पुतना को कहां गति दे दी। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के गति प्राप्ति करना संभव नहीं, वैकुंठ नहीं, अयोध्या नहीं, द्वारका नहीं, मथुरा नहीं, गोलोक में माँ यशोदा के धात्रोचित गति दे वैचारिक ये वर्णन होते जा रहे हैं। उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी विस्मित हो जाते, गोविंद कैसे सुंदर लीला आदि देखकर। जितने भी महाजन है गोविंद के इतने सुंदर रूप माधुर्य देखकर के लीला आदि देख के कौन न हो। इसलिए कथा गोविंद के लीला कथा कौन सुनना नहीं चाहते, एक व्यक्ति छोड़कर के सभी सुनना चाहते हैं, कौन वो सुखराम। निवृत्त तरसई उपयमाना भगु सदा सूत्र मनोभिराम कौतुम श्लोको गुणानुवादा कुमार विरजित बिना सुखना। श्रीमद् भागवत में वर्णन हुए जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि कृष्ण का ऐसे सुंदर रूप माधुर्य स्मरण किया तो छोड़ देते हैं, ब्रह्म लीन होना छोड़ देते हैं। संसार में जो दीप जो जीव आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिताप जलक दलक झुलस रहे वो भी गोविंद की कथा श्रवण करें संसार के सब दुख दूर गल चिंता ना दुख अपने आप चले जाते। गोविंद की कथा में लीला में इतने मधुर है कहने की तात्पर्य। रूप माधुर्य लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य गोविंद के इतने सुंदर प्रेम आदि करते हैं। साधारण एक कवि पुरुष के भांति राधा आदि गोपियों के पीछे कैसे दौड़ते रहते, प्रेम कितने सुंदर दिखाया। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में तो लिख नहीं पाया, एक श्लोक के आधा श्लोक लिख नहीं पाया, स्मर गरुड़ खंडन मम शिर सिमंडन इतना तो लिखा, आगे लिख नहीं पाया। श्रीमती राधिका जब मानिनी हो गई राधा जी के मान भंग करने के लिए कृष्ण बहुत प्रचेष्टा कर गए किंतु सब उनकी चेष्टा क्या हो गया विफल हो गया। अंत में कृष्ण रसिक शेखर कृष्ण अपने मोर मुकुट और बंसी गोविंद राधा के चरण में समर्पित कर दिया। यह तक भी नहीं संग कृष्ण अपने सिरदेश के जय मस्तक के जय बार बार राधा के चरण में लगाए क्षमा कर दो, तथापि राधा के मान भंग नहीं।
ये तो लिख लिया स्मर गल खंडन मामा सीरे से मन अंत भी क्या है कोई मालिनी के मान दूर करने के लिए भैया तो पढ़ लिया भैया पढ़ लिया ना लेकिन देख लिया तो कुछ नहीं हुआ। अंत में श्लोक में यही कहना था जे देही तुम पद पल्लवम धारम हे उदार चित्त श्रीमद राधि के अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रखो। जयदेव गोस्वामी पास देख नहीं पाए श्लोक स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके वो पद को पूरा कर कहने के तत्पर जब प्रेम किस प्रकार हो जाते हैं हम इसको वर्णन नहीं कर सकते इस जगत में संभव ही नहीं है उनका जगत में भी संभव लोग भी नहीं लिख सकते ना कर सकते थे ना सीता दी की तरह संभव है ना रुक्मिणी सप्तमामा आदि इन लोग की तरह संभव है। तो प्रेम की ऐसे सर्वो उत्कृष्टता दिखाया गया प्रेम किस प्रकार कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए रास करते थे रास से त्रिशूल चले गए फिर रास मंडल में जब स्वयं कृष्ण प्रकटित हुए अर्थात गोपी गीत के बाद गोपियों ने अनेक प्रश्न भी पूछा सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं कृष्ण दे दिए 9 प्रश्न पूछा था कितने प्रश्न क्या क्या हुए याद है कितने बात तो भागवत सुन लिया आओ बताओ भागवत में जीवन तो बन गया सुना कि नहीं सुना एक तो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो एक प्रकार के लोग होता है वो बनिया बनिया प्रेम हो जाता है बनिया बिजनेस प्रेम होता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू यू लव मी I don't like you, you don't like me. ये प्रेम क्या होता है इसे कहा जाता है बिजनेस प्रेम कहा जाता है जैसे दुकान में गए 50 रुपया दिया अपने 1 किलो चीनी खरीदी सुबह दुकानदार के साथ क्या प्रेम है कुछ पैसा दिया चीनी लिया क्या बोले लास्ट में थैंक यू क्या ऐसा दिया और तो प्रेम इस प्रेम के कहा जाता है बनिया गिरी प्रेम पकड़ में पैसा नहीं है तो कोई दुकानदार कर आगे बढ़ो आज नगद कल धार उधार आज नगद में खरीद करके जब काल उधार में कोई काल नहीं आएगा है कि नहीं लिखा रहता है ना आज नगद काल उधार पर काल काल का चल काल ही काल में चल गया। तो मेरे कहने की तत्पर जो है प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसे कहा जाता है वो एक प्रकार प्रेम होता है वो तो केवल लेन देन व्यापारी प्रेम होता है व्यापारी समझते नहीं है बिजनेस प्रेम और प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो प्रेम करता है कौन माता पिता कर्तव्य है पुत्र संतान को जन्म दिया पुत्र संतान माता पिता के प्रेम करे ना करे माता पिता अपने कर्तव्य पालन करके चले जाते हैं करना पड़ता है सोचते बच्चा को लिखा पढ़ा सिखाया शादी विवाह कराया उड़ करके चले जाते हैं जाते कि नहीं मियां बीवी रह जाता है बस घोंसले में घोंसला समझते कि नहीं पक्षी जाते घोंसले में रहता है और अंडा फूट करके बच्चा पंखा जब हो जाता है तब फुर करके चल जाता है देखा है कि नहीं तो जब तक कोई चिड़िया के बच्चे की जब तक ये नहीं हो पंखा जब तक नहीं हो तब तक वो रहता है चीं 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 करते हैं मुंह फाड़ता है खिलाते हैं जब पंखा हो जाता है चले जाता है संसार की है तो उसी प्रकार संसार में माता पिता पुत्र करना की पालन पोषण आदि करते कर्तव्य अपने करते रहते हैं केवल यही है अनादिकाल से चलती आ रही है आप पर देख लीजिए आपके दादा परदादा परदादा से पीढ़ियां चल रही है फिर आपके बेटा बेटी से आगे आगे चलो
अंत नहीं है, इसका अंत है, बस यही चलते जाए। इसलिए प्रेम करने पर जो प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम, प्रेम करो, प्रेम करता है माता पिता, प्रेम करता। और तीसरी, प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करता। ये भी एक है। ये प्रकार के व्यक्ति चार प्रकार बताइए फिर। एक होता है आत्माराम और आत्मकाम और एक गुरुद्रोही अपराधी और तीसरी चौथा क्या है, अकृतज्ञ। आत्माराम जो पुरुष होते हैं, जिसके आत्माराम भगवान में बा ब्रह्म में लगे हुए हैं, आत्मरामश्च मुनय निगंत हरि उरुक्रम, आत्मराम पुरुष तो बस अपने मजे में, संसार में कोई दुखी है सुखी है उसे क्या देना है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से जन्म लिया, बस चल पड़े उसके पीछे, उसके पिताजी वैष्णव हा पुत्र करके रोने लगे, पीछे पर घूम कर भी नहीं देखा कौन मेरे लिए रो रहे हैं। चंद्रदेव तो मन भी तभी तभी तम दही पाए ना विरह का तरो आज वहाँ वो पुत्री ही दी तरना तरो भी नहीं दू तम सरुभितो हृदय मुनिवान दोष। यह तक भी नहीं है सुखदेव गोस्वामी पाद जब जंगल के ऊपर चलने लगे, रास्ते में सरोवर में पखुरे गए, सुंदर सरोवर है जल सच्चे निर्मल नीला जल जैसे स्फटिक भर जल है, अनेकों पर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सच्च निर्मल जल में कुछ स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, उनके कोई विकार नहीं हुआ ना कुछ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी में तो तन मन जो कुछ भी है अब ब्रह्म में लीन हो गए। लड़का है लड़की है कि लकड़ी है क्या पता, समझ में आ रहे है? लड़की है कि लकड़ी है क्या जाने, चले गए कोई विकार नहीं कुछ। इसका आत्माराम पुरुष के साथ कोई यदि प्रेम करे उसे कोई रिसिप्रोकल कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं प्राप्त नहीं। इसे कहते आत्मारामश्च मुनयो निर्गंत हरि उरुक्रम, भगवान श्री हरि की कथा में ऐसे शक्ति है आत्माराम, आत्माराम पुरुष को भी आकर्षित करके ले आते हैं, समझ। सुखदेव गोस्वामी चले गए, किंतु जब भागवत की भगवान की ऐसे रूप माधुर्य लीला मधुर कथा श्रवण सुना, सुखदेव गोस्वामी में भी लौट कर आ गए पिताजी के पास। भागवत में कथा है ना, सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन चरित करने लिए मार पर महाराज परिकेत मेरे जीवन चरित कथा सुनो, मैं आत्मा ब्रह्म परिनिष्ठित परिनिष्ठित उसमें मैंने पहले तो ब्रह्म में परिनिष्ठित डूबे हुए थे, किंतु जब जब मेरे पिताजी के मुखारविंद से दो कथा सुन लिया, एक कृष्ण के रूप और एक कृष्ण के गुण कथा, एक कृष्ण के रूप कितने सुना बड़ा पीड़ो में ऐसी कथा सुनी और उनके रूप की भी गुण की कथा भी सुना, अहो वकी अनुस्तर का बस मैं आत्माराम को छोड़ दिया है, ब्रह्मलिंग को छोड़ करके आ गया। किंतु आत्माराम पुरुष के साथ कर यदि ऐसे प्रेम करें उसके भी प्रेम नहीं मिलता, नो रिस्पॉन्स। अब तक आप जिनके समस्त प्रकार की कामना वासना पूरा हो चुका है, कोई संसार की कोई वस्तु के प्रति इसके न लालसा है न कुछ है, ये सीताजी के पिता सिरद्धत जनक महाराज, जनक महाराज उदाहरण दिया जाता है। अब तक आप समस्त प्रकार की कामना वासना पूर्ण हो जाता है, संसार में तो है किंतु कोई किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता ना कुछ होता है, इसका अब तो काम तो ऐसे पुरुषों के साथ भी कोई प्रेम प्रति कर उससे भी कुछ लाभ नहीं है। आप पराम अब तो काम गुरुद्रोही अपराधी, जो लोग गुरु के द्रोह आदि करते हैं, गुरु निंदा आदि करते हैं, अपराधी जो होते हैं उनके साथ भी कोई प्रेम प्रति करो
तो तुम्हारे कुछ लाभ नहीं है, क्यों? अपराधी यदि कृष्ण कृपा करे ना था उनके हृदय तो कठोर हो गए, उनके तो नरक भी जुड़कर को जेता नहीं। हरो रुष्टे गुरु गुरु रुष्टे नतकश्च गुरुदेव पे जो निंदा करने वाले हैं, गुरुदेव के जो ऐसे अपमान आदि करते हैं, उनके तो नरक भी जुड़कर कुछ गति नहीं है। कृष्ण तक उसको धार नहीं करने जा करोड़ साल तक नरक में कुंभी पाल नरक नरक में सड़ते रहो फंसते रहो। ऐसे अपराधी के साथ कोई भी प्रेम कुछ भी कर ले उसके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक तो करना ही नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जो गुरु द्रोही है, गुरु द्रोही सुनते हो, जो गुरु के द्रोह करते हैं, गुरु निंदा आदि करते हैं, इससे तो दूर रहना चाहिए। और चौथा क्या है? अकृतज्ञ अकृतज्ञ किए हुए उपकार भी स्वीकार नहीं करते। कोई व्यक्ति दरिद्र था, आपने उसको दया करके लिखा पढ़ा सिखाया, खिलाया पिलाया और सब कुछ करके जब बड़े हो गए, लॉयर डॉक्टर बन गए, हो सके काल की प्रभाव से आपके कोई पैसा की जरूरत है, हेल्प की जरूरत होगा तो उनके कहा जब मुझे मदद कर दो, बोले नहीं करते। अरे तुमको मैंने इतने कष्ट करके दे, बोले तुम थोड़ी किया, वो मेरे कर्म से आ गए। अर्थात कहने के तात्पर्य क्या है? किए हुए उपकार के जो शिकार नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ गोपी ने ये कितने प्रश्न हो गया अभी याद रखा कि नहीं रखा? चार। ये तो चार हो गया, वो तीन था, चार तीन सात हो गया था। मेरा आपके स्मरण दिला दिया तो भूल जाते हो ना। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है एक हो गया, बनिया प्रेम जिसमें नहीं कहा, प्रेम करो अथवा नहीं करो प्रेम करता है, माता पिता के प्रेम होता है, दूसरी हो गया, तीसरी हो गया प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वो किसके साथ प्रेम नहीं करता है, तीसरी हो गया ना, चौथा हो गया आत्मराम अप्तकाम गुरुद्री अपराधी एक और कारण से प्रेम हो जाता है और अहेतु कोई कारण नहीं है वो भी प्रेम होता है। गोपियों ने प्रश्न पूछा, सांसद तुम बताओ ये कितने प्रकार प्रेम हो गया? मैंने बताया नौ प्रकार। इस नौ में तुम कौन सा है बताओ? तो एक होना चाहिए। किंतु कृष्ण ने ऐसे सुंदर जवाब दे दिया, फिर गोपियों मैं इसमें एक भी नहीं, एक कोई कैटेगरी भी नहीं, बोले हेतु प्रेम तो है ही नहीं और अहेतु प्रेम भी नहीं है, पर तुम्हारे साथ हमारे साथ तुम्हारे प्रेम क्या है? तब उस समय कहते हैं प्रेम किस बारे में कहा चुका है, तीन प्रकार के प्रेम उत्पन्न होता है। एक श्रवण जातो प्रेम कहा जाता है, किसी के गुण सुन करके प्रेम होता है उसी कहा जाता है श्रवण जातो प्रेम कहा जाता है। जैसे रुक्मिणी कृष्ण के गुण सुन करके महिमा सुन करके पत्र लिखा कृष्ण के, रुक्मिणी के विवाह किसके साथ होने जा रहा था? शिशुपाल के साथ, उनके भाई दुष्ट अपने मित्र शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए व्यवस्था कर दी, किंतु रुक्मिणी विवाह। और उसी दिन नारद ऋषि आकर के कृष्ण के महिमा श्रवण कराए, कृष्ण की कथा सुन करके उसी रातों में रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा कृष्ण के लिए, ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज दिया कृष्ण के पास, और कृष्ण उसे पत्र में इतना ही लिखा था, हे गोविंद एक शेर के भोजन जो है सियार के पास जा रहा, इतना ही लिखा शेर के भोजन सियार के पास जा रहा, आप उसकी रक्षा करें बस। ये शिशुपाल सियार है पक्ष कुत्ते, और आप तो शेर हो, हे गोविंद आप मुझे रखा करो, बस यही तात्पर्य था।
प्रेम की भाषा तो सब सब थोड़ी समझ पाए। इतने लिखा था, क्या लिखा? शेर के भोजन आहार कहाँ जा रहे हैं? सियार के पास। सियार के पास। बस आप तो शेर हो, शिशुपाल क्या है? सियार। सियार है। आप रक्षा करो, और साथ ही साथ कृष्ण ने क्या कि आकर के रुक्मिणी के हरण आदि सब वर्णन किया, रुक्मिणी विवाह आदि सब वर्णन। तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण के प्रेम की दिखा श्रवण जातो प्रेम का है, महिमा सुन कर श्रवण जातो प्रेम। गुप्जा के साथ कृष्ण के प्रेम कैसी हुई? परे दर्शन जातो प्रेम। जिस दिन कृष्ण वृंदावन से मथुरा प्रवेश किया, कंस के रंगलाय में जा रहे थे, गोविंद के ऐसे सुंदर रूप देख करके, दर्शन देख करके कुब्जा भी मोहित हो। कुब्जा कुबड़ी थी, कौन के देख पूछने वाले? जीवन में किसी ने एक बार भी बोले तुम कैसे हो? भाई बातचीत करने तो अच्छा लगता है, कोई देखने सुंदर हो, कोई जो कुबड़ी हो, काली कलूटी हो, कौन बात करे भाई? संसार की रीति है, बोलते तो भाई ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। देखने कोई सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, मेरे हाल आ रही हो, और कोई देखने में ऐसे काले कलूटी हो, देखने में ऐसे भी मुंह नीचा करके रखता है, बिल्कुल जैसे मुंह के जो है बेगुन, जानते हो बेगुन जो सूख जाता है ना, जिसमें कीड़ा लग जाता है, और दो चार दिन के बाद वो बेगुन भी ऐसे सूख जाता है, जिसके मुंह ऐसे बेगुन के भांति है, मुंह लटका करके रहते हैं। तो उनके साथ कौन पूछे भाई, कथा तो बोले उनके साथ बोले, जो कोई जली हो देखने हंसी लगे, हाँ भाई इसको ले। और जो लोग मानो सारा दिन काम करते करते थका हुआ है, 450 किलो जो है वजन सिर पर रखा हुआ है, सीधे ऐसी लटके हुए रखा है, ना पूछ है, रुखा सुखा है, उसे लकड़ी के भांति से क्या बात करे भाई, संसार की बात है। भाई बात तो उसके साथ करो जो कम से कम कुछ मंगल मुस्कान करने वाला है कि नहीं, जो आप पहचान लेते हो, समझ में जाते हो, इस व्यक्ति हाथ में हो सके उल्टा करके मुझे पढ़ थप्पड़ ना दे दे भाई, बहुत बात करना जरूरत कोई की होते ना, झगड़ालू होते हैं, बोले क्यों है? अरे रास्ते में चलते हैं तो एक तो कस्टम होता है, हाउ आर यू, हेलो, हाय, कुछ लोग तो हाई फाई नहीं करके नीचे हाई फाई भाई, ये कस्टम भी नहीं होता है जिसको। तो कुछ कुब्जा की कथा तो मैं उसी सुनाता रहता हूँ, कुब्जा के आज तक जीवन में किसी साथ उनके साथ वार्तालाप नहीं है कुछ, एक तो देखने में कुबड़ी भी थी, कुबड़ी समझ में ना, देखने में तो कृष्ण बलराम पहली बार मथुरा में तो आए, कृष्ण आगे जा रहे, पीछे बलराम जी है, भगवान तो सब जानते हैं इसके उद्धार करना है, इसके गुरु जन्म की इतिहास तो आपके पता है, कौन था उसको भगवान रामचंद्र के रूप देख करके मोहित हुई, भगवान ने उस समय तो उनके वर दे दिया, चलो इस राम अवतार में आपको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मेरे अगले अवतार में कृष्ण अवतार में आपको जरूर मैं शिकार करूंगा, इसलिए तो नाक और कान काट करके रख लिया, और भी उसे जन्म भी हुआ, दूसरी जन्म कुबड़ी भी जन्म, भगवान क्या जाने क्या करना, आगे लीला करना है सब सब, सब जानते हैं, किया वही मान, जब भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो है, होगा प्यारे वही जो से राम जी को खाएगा, हम तो सोचते हैं कुछ मिल जाए क्योंकि जो इच्छा हुई थी है, किया वही मान, जब भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो से राम जी को खाएगा, राम जी को खाएगा जो राम जी की इच्छा है, किंतु तो भगवान पंचकल्पतरु राम लीला में भगवान ने सुपुर्ण किया कि तो मणिमान कटे, सुपुर्ण का कोई बात नहीं मेरे पास तो आ गया है, मुझे प्राप्ति करने के लिए चलो नागर कान करके तुमको
रख देता हूँ, और अगले जन्म में तो कुबड़ी हो के जन्म में तुम्हारी प्रति कोई आसक्ति नहीं, देखने सुंदरी हो कोई तो पीछे पड़ जाए, है संसार की गति होता है। वैसे कहीं लड़की सुंदरी हो तो पीछे पड़ जाती है, आज यदि कुरूपा है तो कौन पीछे पड़े भाई, तो भगवान ने बिल्कुल आगे पहले से सब लीला रसा करके रख दिया सुंदर करके। एक तो रामलीला में एक तो नाक कान काट ही दिया, उसको नाक कान काट जाए उसको कौन भाई। देखो मैं सच बोलता हूँ, सबसे हमारे मुखमंडल के जो अंग जो है कान नाक जो है सुंदर हो, यदि नाक सुंदर नहीं हो नहीं सुंदर, जितने भी सुंदर गोरी हो जाए जितने भी अच्छे अच्छे हो क्योंकि भाई नाक भी नहीं अपने अपने दर्पण में नाक देखो नाक भगवान ने ऐसी रचा है, भगवान ने ऐसी लीला भी रचा दी। राधा कृष्ण की लीला भी होता है, कहते तेरा लोग गाली देते बोले किसके नाक, बोले किसके नाक ऊपर है किसके नाक नीचे है, राधा गोविंद की कसरत चल रही है, कसरत समझते हो मल्ल युद्ध चल रहा है, हिंदी में कसरत कहते हैं। तो राधा जी ने क्या कि बस एक झटके में ही कृष्ण के क्या कर दिया पटक दिया है, कृष्ण तो लेट गए सखी हाथ तले दे रहे हैं, जे कृष्ण हार गए, कृष्ण बोले नहीं मैं नहीं हारा, हार करके भी कृष्ण कह रहे क्या मैं नहीं हारा, बोले क्यों अच्छा बताओ नाक किसके ऊपर है, कृष्ण लेटे हुए कृष्ण के नाक ऊपर है, राधा जी ऊपर नीचे गए राधा जी के नाक नीचे, बोले देखो मेरा नाक ऊपर है ये ऐसे मैंने जी दिया। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ, कुब्जा की है, कुब्जा जीवन कृष्ण आगे जा रहे हैं पीछे बोले देव प्रभु कृष्ण के पूर्व लीला तो स्मरण है, भगवान है ना ये कुब्जा के लिए उद्धार करना ही है इस लीला में, वो करके रामलीला में आई थी बहुत कष्ट दिया और बहुत कुछ हो गया, आगे जो लीला हुई तो हो गया, इस लीला में उनको थोड़ा आनंद देता। गोविंदा ऐसे करने कहने लगे पीछे से सुंदरी, कौन सुंदरी कौन की, कितने लोग जा रहे हैं भाई राज्यसभा में जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, कंस के दरबार में थोड़ी हमारी बड़े सभा होती जा रहे हैं, कंस के दरबार में कितने स्त्रियां जा रही है, कुब्जा तो जा रही है, उसके पीछे कृष्ण बलराम है, कृष्ण कर रहे हे सुंदरी, कोई पीछे घूम करके कोई नहीं देखा। फिर थोड़ा आगे करके आगे आकर के कृष्ण कर रहे हे सुंदरी, कुब्जा कर मुझे बोल रहे हो, हाँ हाँ आज तक जीवन में कोई सुंदरी करके मस्कारी कर रहे हो हंसी मजाक कर रहे, अरे नहीं नहीं तुम जैसे सुंदरी आ बोले देख लोग कन्हैया ये मथुरापुरी है छत्री लोग रहते हैं, ये ब्रज नहीं है, ब्रज में तुम जो कर लिया गोपियों के साथ हंसी मजाक कर दिया कोई कुछ किया किया, ब्रज के लोग तो ब्रजवासी है थोड़ा संभाल, ये मथुरापुरी है छत्री लोग है। कन्हैया बोली देखो अरे भैया तुम जब हमारे पास है क्या चल चलता रहता ही देता चलता करे या फिर दोबारा करे हे सुंदरी कुब्जा थोड़ा मोहित हो, फिर कुब्जा मोहित हो, गोविंद के पहली बार दर्शन किया अभी पीछे घूम करके गोविंद के पहले दर्शन किए, भागवत में वर्णन आ रहे हैं यह गोविंद के पहली बार दर्शन किया कुब्जा, इसके पहले कृष्ण के दर्शन बस दर्शन करके गोविंद ने क्या किया, बोले हमें तो थोड़ा राज उपटन एक क्या बोले चंदन चंदन लगा दो है, मामा के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ ना है, उपहार भी देना है, पहले तो दो हाथी को तो क्या बोले कुबले हाथी को तो मार दिया, मामा जी के पास जाना है ऐसे थोड़ी खाली हाथ में थोड़ी जाना है, दो चार पैसा थोड़ी राजा है थोड़ी दो चार पैसा थोड़ी देना है, ये तो हस्ती दंत देना पड़ेगा माने हाथी को जो दोनों भाई तो हाथी हाथ के दांत है इसके रखे है, सबसे मूल्यवान वस्तु है ना राजा के उपहार देना है,
ऐसे दो चार पैसे के थोड़ी है ना, इसलिए हाथी दाम, हाथी हाथी के दाम घर में है आपका बोलो मार का इसलिए लोग कहने लगे भाई तुम हाथी के दांत ऐसे क्यों लेकर के जाएंगे, अरे राजा के पास जाएंगे ऐसे खाली हाथ में थोड़ी जाएंगे, एक तो मामा नाचता है और दूसरी राजा भी है, है? मामा भी है और राजा भी है, है? और कुछ तो देकर के आते, बोले राजा के पास तो सबसे मूल्यवान वस्त्र देखो कुंवर हस्ती के दांत उघर करके हम जा रहे खूब जा, ये बोले अच्छा ठीक है राजा के पास जाना थोड़ा भी कर दो थोड़ा गुप क्या बोले गोपी डॉट कर दो तुम जाने तो कुछ बोले कहा हाथ वहीं पर कहा चले भगवान ने क्या की एक पैर की अंगूठी है ना उसके उसके पैर को दबाया और एक हाथ पीछे लगा दिया दूसरे हाथ ऐसे करके तो बिल्कुल सीधे कर दिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, देखो कैसे सुंदरी बन गई, पहले तो कुमड़ी है ना ऐसे करके चलते कितने सुंदरी भागवत में वर्णन है फिर अंतर है कुंजा की गोविंद के बोले हमारे पास कुटिया में कंस के वध के पश्चात भगवान ने उनके भी कुटिया में गए कुंजा भवन सुखा जाता है। चलो आगे की कथा बता इसलिए प्रेम के मतलब एक समझ जाता प्रेम होता है दर्शन जाता प्रेम होता है और गोपियों के साथ प्रेम कौन सा है गोविंद कह रहे ना कह रहा तुम्हारे साथ हमारा निर्बंध प्रेम है सतसिद्ध प्रेम कहा जाता है सतसिद्ध समझते कि नहीं सतसिद्ध माने जिस प्रेम की सिद्धि करने के लिए जरूरत नहीं होता है प्रमाण करने की जरूरत नहीं होता है जो प्रेम नित्य शाश्वत प्रेम होता है उस प्रेम की कोई सिद्धि करने की भी जरूरत नहीं होता है। जैसे ज्योमेट्री में दो होता है एक संपाद्य है एक उपपाद्य होता है, तो जो प्रेम जो होता है वो प्रेम कदे नित्य सिद्ध प्रेम गोपियों के साथ सर्वगुणी श्रीमती राधिका और राधिका ही अनंत स्वरूप में गोपियों के रूप में प्रकाशित है। कृष्ण अनंत शक्ति उस अंत शक्ति में राधिनी शक्ति और राधिनी शक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधिका है नित्य सिद्ध कृष्ण राधा के तो जैसे अग्नि अग्नि के दाहिका से अग्नि में जलाने की क्षमता है प्रमाण करना पड़ता है क्या तो सती प्रमाण है बोले कैसे हाथ रख लो जल जाएगी। चलो आगे की कथा सुनाता हूं। इसलिए स्वयं कृष्ण जी कहने लगे देखो ये नौ प्रकार जो मैंने प्रेम बताया हेतु अहेतु की से लेकर के जन्म इसमें भी कारण है कोई इसके लिए तुम्हारे साथ हमारे क्या प्रेम है सतसिद्ध प्रेम कहा जाता है जन्मजात प्रेम सतसात सिद्ध प्रेम कहा जाता है जिस प्रेम की कोई कारण ढूंढना नहीं पड़ता है। अंत में कृष्ण ने यही कह दिया हे राधिके तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं ऋणी बन गया न पार में मृदु निर्वदन संचरण साधकृत विबुध जप जा माधुर्य गृह श्रृंखला संवृष्ट पति जातु साधुना आप लोग मेरे लिए कितने त्याग वैराग्य दी सिखा राधिके अपने माता पिता भाई बंधु के गंजना आदि सहन करके मेरे पास आए इसलिए कहते हैं नौ पारे हम निर्वत्तम समझो ससाधु कृत विभूति सर विभूति माने ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण सेवा करो तथापि आप लोग के चरण तथापि आप लोग के प्रेम ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता आप लोग के प्रेम से मुक्त कैसे हो नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए जो टैक्स करा दी नौ कहते एक ही श्लोक में तो बस गोपियों के पराजित कर दिया कृष्ण कृष्ण ने यही कहा दिया ये अनंत काल तक आपकी चरण सेवा करते रहूं तथापि आप लोग के प्रेम आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकती तो राधारानी रो पड़ी राधारानी कहने लगी हे गोविंद प्रेमिक प्रेमिका में एक नियम होता है
क्या नियम होता है, एक दूसरे के प्रेम के जाल में कभी आबद्ध नहीं रहते, बंद करके नहीं रखते। प्रेम एक मुक्त पक्षी की भांति होता है, है? प्रेम कैसे होता है, निर्मल आकाश में पक्षी जैसे दोनों पंखा फैला करके जहां तक उड़ सकते उड़ सकते, तो प्रेम तो उसकी कहा जाता है। प्रेम में कोई बाधा होना नहीं चाहिए, ना प्रेम में कोई नियम होता है। प्रेम एक सतसिद्ध, जिस प्रेम के निर्मल प्रेम कहते जाते हैं, जब कोई कारण ढूंढना नहीं पड़ता। प्रेम एक निर्मल आकाश में, बादल रहित आकाश जिसमें कोई बादल नहीं है, है? बादल नहीं है, समझ में? नो क्लाउड, नथिंग, कंप्लीटली नील आकाश। और उस नील आकाश में पक्षी जहां तक उड़ सकते हैं, है? डाना फेरा करके, बोले कहां तक जा सकते हैं, कौन वर्णन करे? बोले प्रेम तो उसी प्रकार ही होता है, प्रेम कोई बंधन नहीं होता है। प्रेमी प्रेम के हृदय में प्रेम तो एक सतसिद्ध रूप में विराजमान होता है, जो दिखावटी प्रेम नहीं होता है। हमारे प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में तो विश्वनाथ चक्र सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। प्रेम एक सुंदर सच्चा निर्मल वस्तु होता है, जिसमें किसी भी कालीमा दाग नहीं लग सकता है। वो प्रेमी प्रेमी के हृदय में विराजमान होता है, और दोनों के हृदय कंदरों के क्या कर देते हैं, उजाला कर देते हैं। वह प्रेमी प्रेमिका के हृदय में ही रहता है, दूसरे के दिखाने की वस्तु नहीं होता है। और प्रेम एक सच्चा निर्मल गति से चलता है, जैसे समुद्र, जैसे गंगा की जलधारा गंगोत्री नामक हिमालय से प्रकट होकर के अत्यंत कलकल 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 करते हुए प्रवाहित होते हुए कहां जा रहे हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं, सारे बाधा को क्या करते हैं, तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। तो प्रेम तो उसी प्रकार ही होता है, प्रेम की जो हम वर्णन करते हैं। तो कृष्ण ये समस्त जब कहने लगे, राधा जी एक ही बात करने लगे, गोविंद आपने कहा दिया, ये हमारे चरण की सेवा अनंत काल तक करे तो आप ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु प्रिय प्रियजन की कभी ऋण से अबद्ध नहीं रख सकते, नहीं रखते है? क्योंकि उसमें जहां पर हमारे ऋण हो जाता है, ऋण की चुकाने के लिए आना पड़ता है। किसी से आप एक पैसा ले लिया, नहीं दिया तो उसके चुकाने के लिए क्या होना पड़ेगा, उनके घर में कुत्ते गधे वगैरह जन्म लेना पड़ेगा। एक कथा बीच में कथा सुना दिया था, एक सेठ जी था, तो सुना हूं ना कि सुना कि नहीं सुना? एक सेठ जी था, बहुत उदार था वो, गांव के रहने वाले सेठ जी, उसके पास बहुत पैसा था, वो गांव वाले लोगों की बहुत सेवा करता था। वो जब किसी को जरूरत होता था सेठ जी कहते थे आओ पैसे ले जाओ, कहते महाराज मेरी बेटी की शादी करना है, कुछ पैसा चाहिए। सेठ जी कहेंगे अच्छा ठीक है, कितने पैसा चाहिए बताओ, कोई कहते हैं 5,000-10,000 जैसे। किंतु सेठ जी के एक नियम था, मुनीम के पास, मुनीम है ना, क्या हो रही, मुनीम के पास लिखा दो, एक लिखा दो केवल, क्या लिखाना है, कब लौटना है, लौटाना है इस जन्म में और अगले जन्म में। भाई गरीब व्यक्ति है, हम अपने बेटी के शादी के लिए आपसे 10,000 रुपए ले लिया, पता है कब मैं दे दूं, इसलिए कहते हाँ इस जन्म में थोड़ा 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 करके दे। भाई जिसको देना है वो मुनीम के पास क्या लिखते थे, इस जन्म में शुद्ध करते आपको चुका दे, और जिसको देना नहीं है वो क्या लिखते थे, अगले जन्म में। किंतु इस रहस्य को लोग नहीं जानते थे। भाई जो सज्जन व्यक्ति होते हैं कहते हैं ठीक है भाई तुम्हें चलो। एक दिन एक चोर आ गया, चोर आकर के देखा अरे सेठ जी तो बहुत उदार है,
सेठ जी पैसा निकाल करके लोगों के दे रहे थे, कहां से? संदूक से। देखा संदूक में तो बहुत पैसा भरा हुआ है, रात में आएंगे सब चोरी करके ले जाएंगे। अच्छा ये तो तथापि वो चोर कहने लगे, सेठ जी मुझे 10,000 रुपये दे दिए। सेठ जी बोले ठीक है, एक काम करो, मुनीम के पास जाओ, लिखा दो, अपने नाम सही साइन करके लिखा। क्या लिखना है? इस जन्म में देना है कि अगले जन्म में देना, ये साइन करो। चोर तो विचार कर रहे मुझे देना ही तो नहीं है, मुझे चोर ने क्या साइन किया, अगले जन्म। चलो 10,000 रुपया तो ले गए, फिर रात में तो उसके लालचे हो गए ना, ये रात में आकर के इसके सब ले गए, लूट ले जाए। इसलिए रात को आकर के सेठ जी के घर के सामने जहाँ पर गाय भैंस आदि बनते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? तबीली बोलते, तबीली ना, ना तबीली, तबीली बच गए, तबीला बोलते हैं। अपना भूल गए ना, वहीं पर वो छुप करके बैठे, देखे जो मणि सब लोग सो जाए और मैं उसके सारे संदूक के तोड़ करके ले जाऊं। भाई देखो, चोर होने पर भी वो पशु की भाषा जानते थे, है तो चोर किंतु पशुओं के भाषा जानते थे, जैसे आप लोग भी अनेक भाषा सीख लेते हैं ना। आजकल भी स्कूल कॉलेज में भी करते हैं, कोई विदेशी भाषा सीख, कोई फ्रेंच भाषा सीखते हैं, कोई नेपाली भाषा सीखते हैं, चाइनीज भाषा सीख रहे हैं, कोई की भाषा सीखते हैं। सीखा आपने? कोई बेटा बेटी सीखा कुछ? अभी हम कहूँ पर उनकी बेटी सीख रही है, क्या बोले चाइनीज भाषा सीख रही है, बोले अच्छी बात है। अच्छा तो वो व्यक्ति, वो चोर जो है, वो तबीले तो बैठे हुआ था जहां पर गाय भैंस है। रात हो गया, एक बज गया, तो एक गाय एक भैंस दूसरे भैंस से बात करते जा रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। एक भैंस बोले, भाई तू कहां के रहने वाले थे? भाई मैं पास में गांव, तू कहां के बने? पास में गांव, इधर आ गए, सेठ जी के यहाँ पर आ गए। अच्छा तू बता, पूर्वजन में तू कौन सा कर्म किया, तुमने भैंसा होकर जन्म लिया? तू कहने लगे, देखो मैं पूर्वजन्म में एक दुष्ट आदमी था, यही सेठ जी के पास आया और सेठ जी के बोले ये मुझे कुछ पैसा दे दो, मैंने लिख दिया था अगले जन्म में दे। पैसा तो दिया ही नहीं, फिर इस जन्म में क्या हुआ, भैंसा होकर के उनके घर में खून को दूध बना करके उनके दूध दिला दिया। वृंदावन बिहार कोई छोड़ने वाले नहीं है, पीस पीस करके उनको पीस पीस करके निकाल देंगे तुम्हारा। हैं? लोग सोचते हैं ये मैं तो इससे कुछ माले माल कर लिया, रख दिया, कहाँ रखोगे तुम? तो भोग करने के युग नहीं हो, भोग तो भगवान है, केवल इधर से इधर की उधार से उधार करते जा रहे मूर्ख। हैं? कुछ नहीं हो, कहाँ जाओगे तुम? हैं? धोखा तुम दूसरे को नहीं दे रहे हो, अपने की धोखा चले जा रहे। दो मित्र एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, ये सत्य घटना में बताता हूँ, ऐसे 50 साल की कथा, उम्र उजाला में निकला था। दो मित्र एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, दोनों के पास केवल पैसा नहीं था, 5 रुपया था, 5-5 रुपया 10 रुपया था दोनों को। तो रास्ते में पता नहीं दोनों की इच्छा हुई, एक लॉटरी खरीद लिया, 10 रुपया की एक लॉटरी खरीद ली, 5-5 रुपया दे गए। आश्चर्य की बात, भगवान की इच्छा है, लॉटरी ला के कितने पैसा मिले, 1,00,000 रुपया। कहा 5-10 रुपया में फेंका, कितने हो गया? 1,00,000 उनके हाथ में दे दिए, 50-50,000। चल पड़े आगे, चले विचार करने लगे, शाम तो हो गया, निकट में एक होटल है, यहाँ पर हम दोनों विश्राम करते हैं, कल प्रातः काल में चले जाएंगे।
पता नहीं पास में 1 लाख रुपए सुनते 1 लाख रुपए कितने क्यों है इंडियन मनी है ना आजकल तो 1 लाख रुपए रिक्शा वाला के पास भी रहते नीचे करोड़पति का आजकल कुछ नहीं है और अगर खरबर हो तो कुछ आगे हो चलता तो दोनों मित्र के पास कितने हो गया 1 लाख रुपए 50-50 दोनों मित्र होटल में रहने लगे भाई कभी कभी बुद्धि भी ऐसे खराब हो जाता है और तो क्या कहते बुद्धि खराब कर देता एक मित्र के मन में ऐसे दुर्बुद्धि आ गया दुष्ट बुद्धि आ गया विचार करने लगे किसी को तो पता ही नहीं था है हम लोग के पास इतने पैसा मिल गया एक मित्र के मार दिया जाए तो इससे 50 रुपया मेरा भी हो जाएगा मुझे पूरा 1 लाख रुपया मिल जाएगा अर्थ कितना हो जाता अनर्थ बना दिया दुर्बुद्धि आ गया है दोनों मित्र जब सोने के लिए गए कल अभी भूख लग रही है कुछ बाजार से कुछ लेकर के आओ मित्र बाहर गए है कुछ दूध अथवा कुछ खरीद करके लाए अपने लिए तो अच्छा दूध ले आए और मित्र के लिए उसमें दूध में क्या मिला दी जहर मिला दी है दोनों तो अपना दूध अच्छे दूध पान जो है अपने पी लिया और मित्र को जहर वाला दूध को है आधी रात में वो मित्र पैखाना करते करते मर गया डॉक्टर आया देख बोले थे इसके फूड पॉइजन हो गई क्या पता चला है और उन्होंने क्या कि किसी के पता नहीं है उनके पास 1 लाख रुपया उन्होंने पूरा 1 लाख रुपया जेब में रख ली घर गए जहर के ऊपर से उदारता दिखाया अपने मित्र परिवार को ये देखो हम दोनों गए थे और मित्र फूड पॉइजन हो गया डॉक्टर सर्टिफिकेट है बना करके और उन्होंने क्या कि उस मित्र परिवार को 10,000 रुपया अभी दे दिया मित्र के परिवार से कहा हमारे अंकल कितना कोरोना है पता नहीं है उनके जो है मेरे अंकल मित्र के अंकल का हाँ हाँ 10,000 रुपया हमारे पिताजी के संस्कार के और ये भोजन के ब्राह्मण भोजन होते हैं ना आहा मित्र जी अंकल जी आप जैसे मित्र तो कोई चलो बहुत धूमधाम से मित्र के जो है वो संस्कार कराया ब्राह्मण भोज आदि कराया दान दक्षिण उसमें 10,000 रुपया मानते करोड़ रुपया अच्छी तरह से किंतु अपने जेब में कितना हो गया अपने 50,000 और मित्र के कितना 40 90,000 रुपया उन्होंने क्या कि बिजनेस में लगा दिया भाई अच्छी की बात भगवान की कैसी लीला कौन जाने देखते देखते 90 से 90 करोड़ रुपया हो गया उसका 2-1 साल में इतना उनके झंडा ज्यादा ज्यादा पैसा आने लगा कभी कभी देखोगे ना किसी लोग जहां पर पैसा रखते हैं वहीं पर पैसा आ जाए पता ही नहीं भाई क्या बात है इतने उनके बिजनेस इतने बढ़ने लगे देखते देखते 90,000 से 90 करोड़ हो गए ऐसे करते 10-20 साल हो गए उनके एक बेटा 20 साल के बेटा आए बेटा के शादी करने के समय भी आ गया शादी करने के लिए ताई हो गया लड़की भी सुंदरी है लिखी पूरी डॉक्टर भी ऐसे बहुत सुंदरी लड़की है बिल्कुल शादी के जब वो क्या होता है जो ये करते है ना क्या बोले लगन होता है ना बस उस दिन रात में इतने पेट में इतने दर्द होने लगे लड़के का है उल्टी होने लगे पता नहीं क्या हो डॉक्टर आया डॉक्टर बोले हम कुछ नहीं करते ले जाओ बाहर रेफर कर दिया दुबई में लंबी कथा था दुबई में कर सत्य घटना है दुबई में डॉक्टर भी देखा बड़े अस्पताल है भर्ती भी कराया सारे पैसा अपने सारे बिजनेस के पैसे के वहीं पर सारे बेटा के लिए कर देखते देखते 1 महीने में सारे पैसे चला गया बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गया दवाई के 1 महीने दुबई में रहे अस्पताल में सबसे बड़े अस्पताल में है कुछ नहीं डॉक्टर कुछ निदान नहीं करने पाए क्या हुआ सारे टेस्ट कर लिया कुछ नहीं डॉक्टर अंत में 1 महीने में डॉक्टर जवाब दे दिया ले जाओ अपने देश में ले जाओ संस्कार करो हो गया 2-1 दिन में चलने वाला है
बेचारा बिल्कुल फकीर हो गया है। कहां करोड़पति अरबपति करोड़पति, बस पैसे कहां से कहां चले गए। आज तो उनके भी एक भी पैसा नहीं है, दुबई से जो है अपने बच्चे को हवाई जहाज से लुटा लुटा करके लाए, पूरा एक बार सब पैसे कहां चले गए है। सारे बिजनेस जितने भी पैसा लगा, अस्पताल में बैठे हुए, सिराना में बच्चा के सिराने पर बैठे हुए, सिर पर हाथ लगा करके मेरे बाइक ने पूर्वजों ने कौन सा कर्म की भाई, जो वो तो भूल गया ना, वो थोड़ी याद है, कौन सा जो अपने मित्र के जो है जहर दिया, धोखा धोखा से पैसा दे है, करोड़ बन गया था ना, थोड़ी उस समय याद थोड़ी रहता है, अभी वो याद भी नहीं। अभी याद कर रहे मैंने पूर्वजों ने कौन सा कर्म की, मेरा एक लौता बेटा शादी होने वाला है और सारे मेरे बिजनेस के पैसे सब मैं चला गया, आज तो मैं बिल्कुल रास्ते में खड़ी हूँ, भीख भी कोई देने वाले नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। मैंने कौन सा जन्म की कर्म किया, दुख जान होता ना तब तो लोग कर्म के लिए सोचते रहते हैं, सुख में थोड़ी होता है, पैसा जब आता है तब थोड़ी सोचता है, तो मतलब मैं अच्छा कर्म किया इस समय पर आया, जब दुख आता है तब तो सोचता है मैंने क्या किया। बच्चे के सिरहान पर अंतिम सांस ले रहे थे है, उनके बच्चा 20 साल के लड़का अस्पताल पर सोए हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं 2-4 मिनट चला जाए, डॉक्टर कहा चले, बेचारा तो रो रहे हैं क्या करें। आधी रात में इतने समय वो बच्चे खड़े हो गए है, सुनो वो बच्चे उनके खड़े हो गए, पिताजी पिताजी क्या सोच रहे हो, पिताजी रोने लगे, पिताजी कहे बेटा तू ठीक हो गया, बोले हाँ पिताजी मैं ठीक तो हो गया, क्या आप रो रहे हो इसलिए, मैं ठीक हो गया, मैं चलने वाला हूँ। पिताजी के आनंद आ गए, कम से कम जो कुछ है बेटा तो हमारे पास आ गया है, पिताजी आप क्या सोच रहे हो, बेटा बेटा करके रो। तब उससे बेटा कहने लगे पिताजी क्या सोच रहे हो, मैं अपने बता देता हूँ, जो चीज भूल गए आपको मैं याद दिला देता हूँ, याद है आज से 30-35 साल पहले की बात, आप अपने मित्र के साथ गए थे, लटरी में ये पैसा मिला और अपने मित्र के आपने जहर दिया मारा, उससे 40,000 रुपया अपने जेब में रख लिया, सारी कथा को सुना दी उनको, बोले हाँ बेटा पैसा आपने दिया, ये 90,000 रुपया आपने पैसा लगाया, बिजनेस आपके करोड़पति बन गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब पिताजी के याद दिलाए, करे पिताजी वही मित्र मैं हूं, जिस मित्र से आपने धोखाबाजी की वही मित्र हूँ मैं आपके पुत्र होकर आ गया, अभी सब आपके सारे लेकर मैं जा रहा हूँ। बोले ऐसे करे फिर लेट गए और शरीर छोड़ दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, एक बार कहानी नहीं है सत्य है, मानो और ना मानो किसी के कोई धोखा दे दिया तो जन्म जन्म उसके तो लेना पड़ता है। हम सोचते हैं इससे तो धोखा दे करके है, मैंने पैसे लिए बहुत मजा मिल रहा हूँ, मजा तुम्हें की चखाता है, चलो है समय आने पर तब आएगा, कहाँ जाओगे तुम है। मेरी कहने की यही तात्पर्य है, बोले जहां से तुम थोड़ी सी कहीं की ऋण ले लिया, ऋण चुकाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, कुत्ते होकर के उनके घर में कुत्ते होकर रखवाली करना पड़ेगा है? बेटा होकर के बेटी होकर किसी न किसी प्रकार से तुम्हें पे ऋण चुकाना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं कोई है, ऋण तुम ले लो। तो आप कहेंगे महाराज ये ऋण से मुक्त होने के उपाय क्या है, कोई उपाय है, जान में अजान में हम तो कर लेते हैं कहीं, ये तो हो गया हो गया। अभी ये बताइए महाराज ये ऋण से मुक्त होने के लिए कोई उपाय तो बताइए, कहा भागवत में एक ही उपाय बता दिया, गतो मुकुंद परिजित कर्तव्य, जब भगवान मुकुंद के चरण में
सर्पित हो जाओ, तुम समस्त ऋण से मुक्त हो जाओ। भागवत की श्लोक है, देवर्षि प्रताप ऋणम, देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, राज ऋण, ये छह प्रकार ऋण हो जाता है। किंतु जब कोई भगवान मुकुंद के सेवा आदि करते हैं, मुक्ति ददाति जैसे इति मुकुंद, भगवान मुकुंद यानी कृष्ण के सेवा करने पर नाम जप करो, दीनहीन होकर के तुम समस्त ऋण से मुक्त हो जाओ, फिर पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा। यही है उपाय, भागवत में करें कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। है कहीं भी रहे नाम जप करो, बस कलयुग में तो कोई कुछ करना ही नहीं, और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। ऋण से मुक्त होने के एक ही उपाय क्या है, भगवत नाम करो वर्ष। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य, श्रीमद् भागवत में कहते हैं एकमात्र मुकुंद के चरण में शरणापन्न होकर के भजन करो, फिर पूर्ण संसार में आना नहीं पड़े। जो हो गया हो गया, जान में अनजान में जो ऋण ले लिया, जो कुछ कर लिया, वह जो हो गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, गोविंद चरण में शरण और गोविंद नाम ग्रहण। किंतु मैंने जो कहा था, कृष्ण ने कहा राधा जी को, हे राधे तुम्हारे प्रेम तो निर्बद्ध है, निर्बद्ध है तो ये निर्मल प्रेम है, जिस प्रेम की कोई तुलना नहीं है, है? मेरे लिए आप लोग ने कितना कष्ट स्वीकार किया है, अपने माता पिता पोतियों की गंजना गंजना सब कुछ सके थे, इतने इसे आप लोग के प्रेम तो निर्बद्ध है, इसमें ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं को आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण सेवा भी करो तब भी मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे भगवान भी कहने लगे सत्य करके, कल देखो मेरा अनंत भक्त है, मैं एक केंद्रित नहीं हो नहीं सकते, एक केंद्रित समझ सके क्या है, वन पॉइंटेड नहीं हो सकता, मेरा अनंत भक्त है, किस भक्त में छोड़ू और किस भक्त के जोड़ू, सबको मुझे जोड़ना पड़ता है, कोई भक्त को मैं छोड़ नहीं पाता, एक छोटा भक्त से लेकर के बड़े भक्त तक सबको मैं देखभाल करता हूं। किंतु हे गोपियों, आप लोग ने एकोकेंद्रिक है, एकांतिक मेरे पर, मैं एकोकेंद्रिक नहीं हो सकता, वन पॉइंटेड नहीं हो सकता, किंतु आप लोग मेरे छुटकर कुछ नहीं है। भगवान स्वयं भगवान उद्धव की भी कथा सुनाया है, मेरे लिए गोपियां कैसे तड़पते रहते रहते, उनकी और कोई चिंता भावना नहीं रहता है, कृष्ण विरह में गोपियां क्या करती है, गोविंद छोड़कर के कुछ नहीं है, उनके तन मन जब गोविंद गोविंद में, अरे गोविंद सब भक्त के चिंतन करते रहते हैं, इसलिए भगवान की कहा जाता है बहु केंद्रिक, और गोपियां क्या होता है एक केंद्रिक, वन पॉइंटेड, इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं या आप लोग के ऋण कैसे में छोड़ा होता है, नौ पारे निर्वदन संसो साधु कृत प्रदेश जामा दुज गृह संग संग स्मृति याद, तो उस समय स्वयं कृष्ण ने कहा हे गोपी एक उपाय है, एक कृष्ण लीला के पश्चात मैं साधु होकर के यदि आपके नाम कीर्तन करूं तो आप लोग के ऋण से मैं मुक्त हो सकता हूं। इसलिए वही कृष्ण क्या हुआ साधु होकर के आए, कौन साधु बोलो सचिदानंद गौर हरि की जय, होकर के क्या कर देखो है, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 स्वयं आचरण करके जीव को शिक्षा दे, राधा नाम देव हरि मीन्स राधा है, तो वही ऋण चुका रहे ना, पर नाम के द्वारा सब सब पाप सब ऋण चुकेगा, इसलिए कहते हैं हरि मीन्स राधा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कर लो समय बोलो जय जय श्री राधे गोविंद बलो हरि गोपाल गोविंद बलो हरि गोपाल गोविंद बलो हरि जय जय राधा कृष्ण युग मिलन जय जय राधा आरती करे ललिता दि सखी मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर
Yeah.